गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी। आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, HSSC ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, कुछ बातें हैं जो वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आपको मालूम है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के डिटेल में चलेंगे। कौन कौन सी वो बातें हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर आपके लिए लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, HSSC ग्रुप डी पोस्ट वाइज वैकेंसी की आज हम बात करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा कौन सी पोस्ट पर के पद हैं? जैसे पिछली बार बेलदार के थे, PN के थे, ये कुछ ऐसे पद थे जो ज्यादा थे, एनिमल अटेंडेंट के थे, उसी प्रकार इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट कौन से पद के निकले हैं। प्रेफरेंस क्या रहेगी इस बार, फिर कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू इस नोटिफिकेशन, और अब टोटल वैकेंसी कितनी हो चुकी है। हालांकि मैंने पहले वीडियो इसकी बना दी है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा कर ली जाएगी। और इस बार कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ग्रुप डी के पद खाली रह गए हैं, सारी जानकारी इस एक वीडियो में बिल्कुल आपके लिए आपका काम आसान किए देते हैं। हर एक छोटी से छोटी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपके सामने एक स्लाइड है और उसमें देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कोई कहीं से ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे ही उठा लिया है, जो आज दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में ऑफिशियल कोरियंडम आया है उसमें ये डिटेल दे रखी है, चाहे तो आप न्यूज़पेपर से भी देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या है, पोस्ट कोड आपका 101 और कुक 228 पोस्ट है कुक की, सबसे ज़्यादा है। और कुक का काम मैं आपको बता दूँ, आपको खाना बनाना होगा, चाहे 10 लोगों का, चाहे 20 लोगों का, चाहे 50 लोगों का, जिस तरह से कंटेंटर बढ़ते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, आपकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो आसान काम है कुक का, और इस बार प्रेफरेंस में भी लोगों के टॉप में रहेगी कुक की पोस्ट जो है। 102 नंबर पोस्ट PN, इस बार भी PN 137 पोस्टें हैं, PN भी सबकी टॉप लिस्ट में रहेगी, विश लिस्ट में रहेगी। तो प्रेफरेंस में कुक और PN को तो आप अप्लाई करना आपके लिए मतलब बहुत ही नेसेसरी हो जाएगा एक तरह से। 103 नंबर पोस्ट कोड है वाटर कैरियर की, वाटर कैरियर यानी आपको वाटर सर्व करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो दोस्तों, ये आपके 91 पोस्ट हैं, तो जितनी ज़्यादा पोस्ट हैं वही आपकी प्रेफरेंस का बेस भी रहेगा। हालांकि डिपार्टमेंट भी इसमें थोड़ा सा वो रोल अदा करेंगे, ब्लॉक पब्लिसिटी वर्कर, तो आपको जो आप हरियाणा सरकार है उसका कोई भी डिपार्टमेंट है, उसकी कोई भी आपकी कार्य है उसके में पब्लिसिटी वर्कर के तौर पर, जैसे आपने विज्ञापन है उसका कहीं चिपकाना हो, बैनर हो, होल्डिंग हो, ये इस तरह के काम उसमें रहेंगे। 51 पद निकले हैं, धोबी के 39 पद निकले हैं, इस बार भी कई लोग धोबी की पोस्ट पर लगे हैं। तो इसमें होना क्या है, धोबी की पोस्ट में जैसे MLA हॉस्टल है, जैसे कहीं कहीं सरकारी हॉस्टल्स हैं, कहीं भी कोई मंत्री की कोठी वगैरह है, सरकारी कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर तकिए हैं, चादरें हैं, उनको धोना, भाई ये धोबी की पोस्ट है 39। 106 नंबर पोस्ट माली की 37, माली उद्यानों में रख सकते हैं, कुछ जैसे हरियाणा में कुछ पर्यटन स्थल है वहाँ रखे जा सकते हैं, स्कूलों में रखे जा सकते हैं, विधानसभा, MLA हॉस्टल्स वगैरह, चंडीगढ़ पंचकुला में जो है सेक्रेटेरिएट वहाँ रखे जा सकते हैं। लीडर भजन पार्टी, अब हरियाणा सरकार का में कोई भजन के विशेष आयोजन होंगे जैसे गीता महोत्सव वगैरह में, तो उनमें एक भजन पार्टी का लीडर चाहिए। अब लीडर का मतलब है उसको गाना बजाना भी अच्छी तरह से आना चाहिए। 36 पोस्टें ये है, तो आप अगर हैं गवैये, आपको थोड़ा बहुत हारमोनियम वगैरह, ढोलक वगैरह अगर आता है बजाना, तो ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात कर लें दोस्तों, पूरी डिटेल से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बार्बर, अगर आपको नाई का काम आता है तो 31 पोस्टें हैं आपके लिए, अच्छी पोस्टें हैं। बार्बर बिल्कुल सरकारी सेवाओं में इनका इस्तेमाल होगा और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्य करेंगे। फिर डेरीमैन, 26 पोस्टें हैं दोस्तों। डेरीमैन, डेरी के जो भी उत्पाद निकलते हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह में डेरीमैन का कार्य होगा, और जहाँ बड़ी बड़ी हरियाणा सरकार की डेरी हैं वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। 110 मेंबर भजन पार्टी चिमटा,
इनको चिमटा की स्पेशल पोस्ट है, अगर चिमटा बजाना आता है तो ये भजन पार्टी के मेंबर रहेंगे चिमटा बजाने के लिए विशेषकर। 26 पोस्टें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर 25 पद, जहां जहां भी हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट्स है जैसे विधानसभा हुई, सेक्रेटेरिएट हुए, जहां भी आपकी लिफ्ट यूज होती है लिफ्ट ऑपरेटर के 25 पद हैं। क्लीनर साफ सफाई करने वाला 23 पद, आपकी तो अमूमन सेक्रेटेरिएट में वगैरह में ही पोस्टिंग होगी वहां पर क्लीनिंग वगैरह के लिए। फिर मेंबर भजन पार्टी ढोलक 22 पद हैं, बिल्कुल इसमें ढोलक में आपको महारत हासिल होनी चाहिए तो आप इस पद के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। 22 पद। टीवी अटेंडेंट 21 पद हैं। अब टीवी अटेंडेंट का है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में टीवी हैं तो उनका रख रखाव, उनको मेंटेन करके रखना, वो टीवी अटेंडेंट का काम रहेगा। हेल्पर, अब सहायक है हेल्पर, ये किसी भी डिपार्टमेंट में यूज हो सकते हैं इनका काम। मोची की 15 पोस्टें निकली है तो मोची का काम आप जानते ही हैं। स्ट्रेचर बैरियर 14 पोस्टें निकली है। फिर खलासी की 14 पोस्ट निकली है। ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, देखिए ड्रामा पार्टी रहेगी, आपने देखा है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष तरह के ड्रामे वगैरह किए जाते हैं, तो 119 नंबर कोड है और ड्रामा पार्टी अटेंडेंट रहेंगे 10 पद। डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, अब डाइसेक्शन हॉल क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह में आपके डाइसेक्शन किए जाते हैं शरीर के, कुछ जानवर्स के, एनिमल्स के, मैमल्स के, तो उसमें आपको अटेंडेंट होना होगा डाइसेक्शन हॉल में। ये हॉस्पिटल्स में भी हो सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट क्लास 4, लेबोरेटरी अटेंडेंट 8 पद निकले हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 8 पद निकले हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट अच्छी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मसालची, मसाल उठाना है इनको, 7 पद हैं। वार्ड सर्वेंट 7 पद हैं। जनरेटर अटेंडेंट 6 पद हैं। जनरेटर अटेंडेंट का तो काम आपको मालूम ही होगा, जनरेटर की रख रखाव और चलाना वगैरह। अटेंडेंट 5 पद। हेल्पर एंड वेटर 4 पद। वार्ड अटेंडेंट फिर से 4 पद। दफ्तरी के 4 पद। मेसान 4 पद। चौकीदार कंपियन के 3 पद निकले हैं। पेंटर 3। कैनरमैन 3। ट्यूबवेल ऑपरेटर 3। असिस्टेंट कुक 2। अटेंडेंट फोटोस्टेट मशीन का अगर आपको अनुभव है तो 2 पद निकले हैं। इलेक्ट्रीशियन हेल्पर 2। फेरो क्लासी 2। गैलरी अटेंडेंट 2। मैकेनिकल हेल्पर 2। सिक्योरिटी गार्ड 2। स्टोर अटेंडेंट 2 पद। स्टोरमैन 2 पद। टायरमैन हेल्पर 2 पद। कारपेंटर 2। साइस 2 पद। और टेलर 2 पद। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये टोटल 60 वैकेंसीज हैं, 60 डिपार्टमेंट्स, 60 पद हैं ये टोटल, 60 अलग अलग। बॉयलर अटेंडेंट 1 पद। बोन कीपर 1 पद। कैमरा अटेंडेंट 1 पद। कुक कम चौकीदार 1 पद। लेबरर 1 पद। लेडी अटेंडेंट 1 पद। प्रेस मैसेंजर 1 पद। शॉप हेल्पर 1 पद। स्टोर बॉय 1 पद। स्ट्रेचर बियरर 1 पद। थिएटर अटेंडेंट 1 पद। वार्ड बॉय 1 पद। प्लम्बर 1 पद। और टोटल 978 पोस्ट निकली है। 101 से लेकर 160 नंबर आपके कोड हैं, पोस्ट कोड, और मैंने आपको अलग अलग वैकेंसी बता दी है। तो बॉयलर 148 से 160 तक एक एक पद हैं, तो ये लोगों की प्रेफरेंस में नहीं रहने वाली। और फिर अगर बात कर लें 135 से लेकर 147 तक दो दो पद हैं हर वैकेंसीज में। 131 से लेकर 134 तक तीन तीन पद हैं। 127 से 130 चार चार पद हैं। 126 में 5, 125 में 6 पद। 123 और 24 में 7, 120 से 122 में 8 पद, 119 में 10 पद हैं, 117 से 118 14 पद हैं, और फिर इस तरह से आपकी इंक्रीजिंग होती जाएगी। तो अगर आप देना ही चाहेंगे अपना प्रेफरेंस, तो दोस्तों आप जो 15 अगर प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग अगर 15 ही प्रेफरेंस में दे देंगे तो डेफिनेटली ये आपकी एक बढ़िया प्रेफरेंस कैटेगरी रहेगी। अमूमन सभी लोग इसमें भरने वाले हैं। लास्ट के जो एक एक दो दो पद हैं ये जैसे सिक्का उछालना, और अपनी तरफ पड़ा तो हेड आया तो जीत गए, टेल आया तो हार गए, बाई चांस कोई प्रेफरेंस नहीं भरी और उसमें आपका सिक्का चल जाए, इस तरह का वो रहने वाला है। अब दोस्तों टोटल 978 पदों के विश्लेषण के बाद चलते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों इस बार 22 डिपार्टमेंट आपके हिस्सा ले रहे हैं। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम और पुरातत्व विभाग और म्यूजियम्स की डिपार्टमेंट है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, बिल्कुल आपकी जो पीएन की और माली की पद है वो जा सकती है यहाँ पर। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADA में आपकी पद। DG पुलिस में आपके पद हैं। इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर हरियाणा, इसमें भी आपके दफ्तरी वगैरह के पद चले जाएंगे।
और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह के पद चले जाएंगे इसमें। हरियाणा बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कल्याण निगम, तो यहाँ पर तो अलग अलग कुछ इसमें आपके कुक के भी पद जा सकते हैं। और हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी का पद बिल्कुल चला जाएगा। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, लेबरर के और कुछ और पद हैं। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें भी लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह के पद होंगे। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कुक के पद इसमें डेफिनेटली जाएंगे। हायर एजुकेशन में आपके बिल्कुल लेबोरेटरी, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट, साथ में माली और पीएन के पद यहां जा सकते हैं, दफ्तरी के पद जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, प्रेस मैसेंजर का पद इसमें जा सकता है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें लेबरर वगैरह के जो भी हैं। लाइन लेजिस्लेटिव, इसमें आपके दफ्तरी वगैरह के और साथ ही साथ कुक के पद जा सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भी लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह के। प्रिजनर प्रिजन में माली वगैरह के पद जाएंगे। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ ऑफ हरियाणा, स्टेट ट्रांसपोर्ट, खलासी वगैरह के जो है वो पद चले जाएंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें कुक वगैरह के पद चले जाएंगे। तो ये 22 डिपार्टमेंट इस पर आपके भाग ले रहे हैं। जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इन 22 डिपार्टमेंट में आपका कहीं सिलेक्शन होना है। तो इसको स्टेट ट्रांसपोर्ट की पहली बार वैकेंसी भी आई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वुमेन एंड चाइल्ड, हायर एजुकेशन, ला लेजिस्लेटिव, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और डीजी पुलिस, अगर इसको देख के कुछ ऐसा एनालिसिस हो रहा है कि शायद इनमें ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी पहले वो शायद कंप्लीट हो चुकी है और अब दोबारा से ये वैकेंसी है, तो शायद इनमें वेटिंग वालों को के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चांस नहीं रहेगा इन 22 डिपार्टमेंट में। लेकिन एक बिल्कुल एक संशय के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एक बात सोचने की है, अगर इन डिपार्टमेंट्स में अब वैकेंसीज हैं 978 वैकेंसीज हैं, तो शायद दोस्तों हो सकता है कि इनमें पहले ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी वो कंप्लीट कर ली गई हैं, उसके बाद जो बचा है डाटा वो इन्होंने फिर से दिया है कुछ डिपार्टमेंट्स ने जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट नहीं किया होगा ग्रुप डी की वैकेंसीज में, तो शायद यहाँ वेटिंग के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन एक सोच पर या एक संशय पर आधारित ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली, इसका कोई लॉजिकल मुझे बस इतना ही लग रहा है कि नई वैकेंसी जब इसमें आई है तो इन डिपार्टमेंट्स में शायद वेटिंग के चांस कम हो जाएं। फिर भी लेट्स होप कि हमारी कयास है जो थोड़े से ठीक ना निकलें और इनमें भी वेटिंग आए। हालांकि ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन था इसमें लिखा गया था अच्छे तौर से कि एक साल के लिए वेटिंग और आपका जो ये रिजल्ट है मेन लिस्ट में वैलिड रहेगी। तो ये पूरी न्यूज़ थी दोस्तों, आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने आपसे जो की थी वो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो चर्चा थी कि सबसे पद ज़्यादा पद कौन से हैं, तो वो आपको पता चला। प्रेफरेंस क्या रहेगी, पद ज़्यादा हैं तो प्रेफरेंस वही रहेगी। टोटल वैकेंसी 978 हो चुकी हैं 249 से, और डिपार्टमेंट्स 22 डिपार्टमेंट इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें। ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी अगर आपको संशय है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।